हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो दिस इज 2BHK इन मिरापुर। अब हम देखने वाले हैं, ये रेनोवेटेड प्रोजेक्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने एंड टू एंड पूरा इंटीरियर किया है, आई मीन द सिविल फर्नीचर एवरीथिंग। जस्ट यहाँ पे फ्लोरिंग चेंज नहीं हुआ है एंड वॉशरूम चेंज हुआ है। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज बेसिकली द कम्प्लीट होम रूल जो भी हम लोग देखेंगे। सो वे जहाँ पे खड़े हो वो है एंट्रेंस एंड ये एक छोटा सा फॉल एरिया। सो जैसे आप देख सकते हो, दिस इज एंट्रेंस और ये एक छोटा जो फॉल एरिया यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सो वहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने स्टोरेज क्रिएट किया है, जो भी बैग्स हो या फिर जो पेपर्स वगैरह होंगे। सो बेसिकली उसके लिए एक प्रॉपर स्टोरेज यहाँ पे बनाया है। सो बेसिकली यहाँ पे कम्प्लीट स्टोरेज है। अभी मैं जैसे लिविंग रूम में एंटर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो लेफ्ट साइड वॉल है, यहाँ पे हम लोगों ने पूरा टाइलिंग किया। बिकॉज जैसे आप बिफोर इमेज में देखोगे, यहाँ पे जो थोड़ा डैम्पनेस का इशू था, सो बेसिकली वॉल डैमेज होने के कारण यहाँ पे हम लोग को टाइल्स लगाना पड़ा। नाउ टाइल्स के जस्ट सामने आप देख सकते हो, सो यहाँ पे एक फोल्डिंग डाइनिंग टेबल है। सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल फोल्ड है, उसमें 4% का प्रॉपर सिटिंग है। एंड और आप साइड में भी देख सकते हो, यहाँ पे सर्कुलेशन भी बहुत प्रॉपर है। सो जैसे एंटर करते हैं तो साइड में यहाँ पे एक डिस्प्ले यूनिट है। सो यस, दिस इज काइंड ऑफ 8 इंच का डीप जो डिस्प्ले यूनिट का था, बट येस यू कैन सी द एंटायर थिंग। जैसे कि यहाँ पे शेप जो हम लोग ने लिया है, बेसिकली साइड कॉर्नर्स को राउंड किया, उसके अंदर प्रॉपर ग्लास शटर और अंदर का जो लाइट है वो कंप्लीट डिस्प्ले को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर रहा है। एंड यस, उसके बॉटम में है नॉर्मल स्टोरेज, जो भी वो स्पेस में ऑक्यूपाई हो सकता है। एंड दिस एंटायर वॉल इज फॉर सिटिंग। तो अभी तक आपने ये जो भी 2-3 यूनिट देखा, सो इसमें आपने गेस कर लिया होगा कि ये कौन सा स्टाइल है। अगर नहीं तो मैं आपको बताऊँ, दिस इज मॉडर्न स्टाइल और थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच है, थोड़ा कंटेम्प्ररी में उसको ब्लेंड किया है। एंड गेस, दिस इज द एंटायर थिंग यू कैन सी। सो बेसिकली ये कंप्लीट वॉल, ये निश जो था उसको स्टोरेज में यूटिलाइज करने के बाद ये कंप्लीट प्लेन वॉल मिल रहा है। वहाँ पर हम लोग ने ये हैंड पेंटेड बेसिकली यहाँ पे प्रिंट किया है, विच इज़ वारली पेंटिंग, और जस्ट उसी के ऊपर यहाँ पे एक फ्रेम को डिस्प्ले किया है, विच इज़ लॉर्ड गणेशा। सो यस, ये जो पूरा लुक है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोफा, क्योंकि इसका जो टील टर्कोइज कलर है वो एक पूरे लिविंग रूम को एनहांस कर रहा है। और वैसे ही ये प्रिंट के बाद ये लिविंग रूम को एनहांस करता है दिस कर्टन। सो दिस इज ऑलिव कलर का कर्टन, उसके पीछे आप देख सकते हो दिस इज शेयर इन येलो फ्लावर। सो ये लुक को पूरा एनहांस करता है। यस, दिस इज स्मॉल टीवी यूनिट, और जहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉवर्स हैं, यहाँ पे कंप्लीट स्टोरेज है, उसी के ऊपर प्रिंटर के लिए भी प्रोविजन किया है। सो वैसे आप देख सकते हो टीवी यूनिट के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक स्मॉल मंदिर है। सो उसके अंदर भी आप कटआउट देख सकते हो, ये साइड एक जिसको राउंड किया है। यस, विथ एंटी हैंडल्स दिस ये मंदिर कुछ इस तरह से। यहाँ पे टीवी यूनिट का प्रोविजन आप देख सकते हो, बहुत ही कॉम्पैक्ट टीवी यूनिट है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही उतना था पर टीवी, यहाँ पे टीवी यूनिट का प्रोविजन। लास्ट थिंग इन दिस एंटायर यूनिट रूम, विच इज दिस स्टोरेज। सो यस, दिस इज बेसिकली द एंटायर स्टोरेज यूनिट, विच यू कैन सी यहाँ पे 4 शटर्स है, और इसी के साइड में आप देख सकते हो 2 ड्रॉवर्स, कुछ भी हैंडी चीज़ें रखनी हो, या फिर यहाँ पे जैसे कि ओपन निश दिया है तो यहाँ पे प्लग पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं ये, और अगेन ऊपर लॉफ्ट एंड एवरीथिंग व्हिच इज इन द स्टोरेज। सो यस, दिस इज एंटायर यूनिट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द किचन। सो जैसे किचन में आते हैं तो आप साइड में देख सकते हो यहाँ पे टॉल यूनिट है। सो जितना भी किचन का जो भी स्टोरेज है वो प्रॉपरली इसमें फिट हो रहा है। एंड जस्ट उसी के साइड में आप देख सकते हो दिस इज प्रिपरेशन काउंटर। सो प्रिपरेशन काउंटर के ऊपर भी माइक्रो का स्टोरेज है, देन जो भी लॉफ्ट एंड ओवरहेड स्टोरेज यहाँ पे हो रहा है।
Yes, the bottom storage also very huge as per the जो भी यहाँ पे service platform बना है इसके according. And left side में है main counter, which is you can see basically यहाँ पे एक display storage है ताकि कुछ भी crockery वगैरह यहाँ पे आ सके, क्योंकि हम लोगों ने बाहर कोई वैसे provision नहीं किया for the specific crockery things. So yes, तो उसी के नीचे हम लोग ने profile light भी लगे ताकि यहाँ पे बहुत dark out हो रहा था, so उसके लिए proper lighting यहाँ पे हो सके. देन यहाँ पे चिमनी है, उसका डक्ट भी वहाँ से गया है और उसके अगेन साइड में एक ओवरहेड स्टोरेज आ रहा है. एंड वैसे आप नीचे भी देख सकते हो मेन प्लेटफॉर्म के नीचे यहाँ पे दो बड़ा ट्रॉलीज है. दिस इज पुल आउट, अगेन थ्री बेसिक ट्रॉलीज है वहाँ पे, नॉर्मल स्टोरेज एंड लास्ट में आ रहा है वो अनियन पटाटो का ट्रॉली है. सो यस, दिस इज एंटायर थिंग इन द किचन. नाउ विल मूव ऑन टू द किड्स बेडरूम. सो अब हम है किड्स बेडरूम में. सो जैसे ही एंटर करते हो तो आप सामने देख सकते हो. सो यहाँ पे ये जो वॉल है उस पर आप देख सकते हो यहाँ पे पियानो का प्लेसमेंट है विद उसका जो भी सेटिंग है. और जस्ट ये जो वार्डरोब का स्पेसिफिक नीश होता है उसमें हम लोग ने स्टडी टेबल किया. सो नाउ दिस स्टडी टेबल इज़ लाइक 4 फिट बाय 2 फिट का प्रॉपर स्टडी टेबल विद 2 ड्रॉवर्स. उसी के ऊपर आप देख सकते हो ये ओवरहेड स्टोरेज है जिसमें प्रॉपर स्टोरेज के बाद एक ओपन नीश दिया है और उसी के नीचे एक लाइट का भी प्रोविजन दिया है टू हाईलाइट द एंटायर स्टडी टेबल एरिया एंड वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग हो सके. और ऊपर आप देख सकते हो जो भी एसी का प्लेसमेंट है वो है. बट यस, जैसे ही आप एंटर होते हो तो आप ये नीश देखते हो विद पॉप ऑफ येलो कलर, काइंड ऑफ येलो ऑरेंज का मिक्स टोन है ये, बिकॉज ये जो बेडरूम का थीम था बेसिकली ग्रे ब्लू एंड ऑरेंज कंसिडर किया था. सो बेसिकली यस, दिस इज द एंटायर थीम विच यू कैन सी हियर. नाउ ये जो सामने वॉल है दिस इज प्रॉपर वन सिंगल बेड विच इज 6 बाय 3 फिट का प्रॉपर बेड है. उसके पीछे अगेन ऑरेंज टोन को ही यूज़ किया है एंड ऊपर भी ऑरेंज टोन का जो पेंट था स्टडी टेबल पे उसी पेंट को यहाँ पे भी रेप्लिकेट किया है. एंड यहाँ पे है वॉल ऑल्सो. यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही एंटर करते हैं तो उसके राइट साइड में ये कंप्लीट वार्डरोब है. ये बेसिकली जो बेडरूम है वो एक ग्रोइंग किड के लिए है, तो उसके अकॉर्डिंग दिस 9 बाय 8 का जो बेडरूम है वो सफिशियंट है. क्योंकि आप देख सकते हो एक क्यूट सा वार्डरोब, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे जो बेड है उसने कुछ स्पेस कवर किया है, तो इसको यूटिलाइज करने के लिए हम लोग ने इनसाइड शटर दिया है एंड ये ऊपर फिर वार्डरोब स्टार्ट होता है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे आर्च पैटर्न को कंटिन्यू किया है, उसके ऊपर लॉफ्ट भी है. एंड यस, दिस थिंग बेसिकली द कंप्लीट बुक स्टोरेज. बहुत सारे बुक्स थे तो उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन करना था एंड हियर वी डिड इट. सो बेसिकली ये 1 फीट का ही स्टोरेज है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बॉर्डर दिस हैंडल ये जो पूरा रूम है वो बहुत ज़्यादा सटल, बहुत ज़्यादा मतलब एक सेटल वाइब दे रहा है. अगेन यहाँ पे पॉप ऑफ कलर्स भी है तो कॉम्पैक्ट जगह फील हो रहा है. सो यस, दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग 4 डिफरेंट कलर्स इन दिस रूम, बिकॉज रूम भी कॉम्पैक्ट है और कलर्स भी बहुत पॉप ऑफ. सो यस, लेट्स मूव ऑन टू द मास्टर बेडरूम. ये है मास्टर बेडरूम. सो जैसे ही एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद यहाँ पे वार्डरोब का नीश मिला. सो यहाँ पे 4 शटर का ओपनेबल वार्डरोब बना है. यू कैन सी द पैटर्न, द जो भी यहाँ पे कर्व जैसे हम लोगों ने यूज़ किया है वैसे यहाँ पे आर्च को यूज़ किया है. एंड जस्ट उसके साइड में ही यहाँ पे वॉशरूम का डोर है एंड दिस एंटायर वॉल इज डेडिकेटेड फॉर द स्टडी टेबल एरिया. सो बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉपर स्टडी टेबल है और जो 3 फिट बाय 18 इंच का उसका डीप है विद 2 ड्रॉवर्स. और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्नर जो है हम लोग ने उसको राउंड किया दोनों भी तरफ से. एंड अगेन स्टोरेज को कंटिन्यू अगर करते हैं तो इसके नीचे भी स्टोरेज है विद शटर. ये बेसिकली हैंडललेस है, सो कुछ इस तरह से उसका ओपनिंग है. And this extended part is basically another extension of the side table, which is foldable. वो side में नीचे stack होता है
बट कभी एक्स्ट्रा स्टडी टेबल एरिया को यूज़ करना है तो ये फ्लैप को यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे कोई स्टोरेज नहीं है तो ये चेयर भी उसमें प्रॉपर फिट हो जाती है। सो येस, दिस इज एंटायर वॉल फॉर स्टडी टेबल एंड द बिगेस्ट फर्नीचर। तो दिस इज 4 फिट 6 बाय 6 फिट का बेड, कंपैक्ट बेड है ताकि दोनों तरफ हम लोग को प्रॉपर सर्कुलेशन देना था। सो बट येस, दिस इज सफिशियंट फॉर द टू पर्सन। इसमें पीछे हेडबोर्ड में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे वर्टिकल पैटर्न में हेडबोर्ड ही है एंड उसके जस्ट साइड में ही ये ड्रेसिंग टेबल है विद स्टोरेज, ड्रेसिंग मिरर विद स्टोरेज, जिसमें प्रॉपर स्टोरेज। सो येस, दिस इज एंटायर थिंग इन द मास्टर बेडरूम। बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज बेसिकली द एक्स्ट्रा एरिया जहाँ पे पीवीसी कॉर्सनिंग किया है और कर्टन्स को हम लोग ने बेज रखा है ताकि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था वो एक्सेप्टेड ब्राउन एंड आइवरी कलर में था। सो हम लोग ने कर्टन्स को भी सेम कलर लिया है विद वाइट फ्लावर्स ताकि वो एक छोटा पैटर्न का कॉन्ट्रास्ट है वो पूरे रूम में आए। और वैसे ही यहाँ पे एक हिडन स्टोरेज है, तो बेसिकली यहाँ पे ये डोर है जो स्टोरेज है वो पूरा अंदर उस वॉल तक पूरा अंदर डीप मिलता है। कुछ भी लगेज रखना हो या फिर स्टेयर के जो फोल्डेबल स्टेयर के सकते हैं वो इसमें प्रॉपर फिट हो जाए। सो येस, दिस इज द एंटायर 2 BHK। आपने देखा ये तो यहाँ पे बहुत ही सटल कलर्स यूज़ करके, दो कलर्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हर एक बेडरूम में हम लोग ने 3 to 4 कलर्स यूज़ किए हैं, वैसे ही लिविंग रूम में 3 to 4 कलर्स है, बट स्टिल एवरीथिंग ब्लेंड्स टुगेदर प्रॉपरली। सो येस, दिस इज द एंटायर थिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड।